एक्सीलेटर दबाता है, देन आई माय ईगो इज आल्सो गेटिंग हर्ट, सो आई विल नॉट लीव दिस गाय, सो मैंने पकड़ेगा इसको ऐसा ही. सो हम तो यंगस्टर्स होते हैं ना, थोड़ा क्रेज होता है ना गाड़ी का, दैट इज व्हाई आई स्पेंड दिस 19 लाख फॉर 150 bhp, दैट यू नो आई विल, मैं ट्यून भी करेगा गाड़ी. पहले तो ये बताओ कार लगती कैसी आपको? कार तो एक्चुअली फोर्ड एकोस्पोर्ट तो बहुत बढ़िया लगता है, बट अभी मुझे भी पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली व्हाई दे स्टॉप्ड, एटलीस्ट पीपल आर क्रेजी अबाउट एकोस्पोर्ट एंड एंडेवर. डेफिनेटली एंडेवर वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन इंडिया. केरला में भी था पब्लिक एंडेवर के पीछे, दे टेक एंडेवर एंड दे विल मॉडिफाई दिस कार, लाइक इतना मोटा भी लगता है ना गाड़ी, रोड में इतना रोड प्रेजेंस आता है ना गाड़ी, रोड प्रेजेंस है. नहीं डेफिनेटली मैंने मतलब इसको देखा था, मेरे को देखिए मैं इसमें जो मेरे को स्पेशली व्हेन दिस फोर्ड सिंबल वो जो आता है ना आगे लिखा था एंडेवर के आगे, फोर्ड कितना बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोग इकोस्पोर्ट पे भी लगाते हैं पर इस पे इतना अच्छा नहीं लगता जितना एक्चुअली में फोर्ड एंडेवर पे लगता है. और मैंने जब ये कार ली थी मेरे को 10 लाख बजट में देखनी थी, मेरे को डीजल कार में 1.5 लीटर में ये मिल रहा था, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को काफी अच्छी लगती थी 17 इंच के, ये मेरे को 10 लाख 50 थाउजेंड और सेकंड चीज इसमें कास्ट है ना, टॉर्क थोड़ा ज्यादा आता है ना, दैट विल पुश लाइक ट्विस्टिंग फोर्स आता है ना वैसे. और इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील आ रहे थे, सेम मेरे को यहाँ पे पीछे स्टेपनी में मिल रहा था. और आई हैव टू ट्रेवल विद माई फैमिली तो मेरे को इसका बूट स्पेस काफी अच्छा मिल रहा था, बहुत हेवी है और मेरे को मतलब इसका बूट स्पेस काफी अपना. हाइड्रोलिक दिस वन इज हाइड्रोलिक, तो हमारा गाड़ी में नहीं है वो सब. एंड इवन लाइक इसके ये जॉइंट्स हैं, मुझे ये आप देखोगे इवन आपको अपनी कार के कंपैरेटिवली काफी हैवी है मतलब ये, तो मेरे को ये था कि बूट काफी अच्छा था. नाउ यू क्लोज इट, यू डू योर एक्सरसाइज. तो आप आइए आगे. कितना सर्विस हो गया आपका गाड़ी में? थर्ड सर्विस होगी इसकी, इसका 3000 पे. इसका अभी तक मैंने जो मैक्सिमम दिया वो 4500 दिया. सही है, 4500 इज गुड एक्चुअली. मेरा पोलो नाउ विद स्कोडा कुशक दे आर सेइंग 15000 फॉर 3 इयर्स, बट आफ्टर दैट आल्सो दे आर सेइंग क्या 6000 के आसपास कुछ. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें सर्विस कैसी है, हर 10000 पे है. अच्छा. एक में ये लोग एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर ही बस चेंज करते हैं, एसी फिल्टर और ये सब कुछ चेंज नहीं होता. Okay. वो एवरी 20,000 किलोमीटर पर होता है. नॉर्मल सर्विस इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर. और BS6 इंजन का ऑयल थोड़ा कॉस्टली है. अभी तो प्रोडक्शन बंद किया ना ये लोग? प्रोडक्शन बंद हो गया, बट ये 2020 से BS6 प्रोडक्शन बंद किया, तो नहीं करना चाहिए था. अब at least 1 year over they should have tried to see. Definitely. मतलब इको स्पोर्ट एस्पायर एंड एंडेवर दे कैन कंटिन्यू. तो सही बात है. नहीं मुझे लग रहा है फोर्ड का एक छोटा गाड़ी आया था ना, फीगो ज्यादा सेल नहीं था. इवन फ्रीस्टाइल इज आल्सो गुड, फ्रीस्टाइल आल्सो गुड. तो इसमें पुश स्टार्ट है ना? इसमें पुश स्टार्ट है, इधर बटन है जो मेरे में अलग. डीजल इंजन सो यू विल फील सम डीजल नॉइज. ऑल्सो आई हैड एंड मैं आपसे ये कह रहा था कि ये हैंड जैसे आगे नहीं आता है, स्पेस इज गुड. अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे आपको इसमें एक्स्ट्रा लगाया था क्या? ये मैंने इसमें लेदर एक्स्ट्रा लगा, लेदर एक्स्ट्रा लगा. हाँ ओके, बट नहीं ये आता है, आई हैव जस्ट पुट दिस कवर इन. तो स्पेस इज ओके फॉर मी. लाइक आई हैव ड्रिवन ब्रेजा, ब्रेजा ब्रेजा मेरा केरला में फ्रेंड का था, वो मैंने चलाया था. मुझे सच में बताऊं, सच बताऊं बहुत बेकार लगा मुझे ब्रेजा. इज बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट कार लगती है मेरे को, तो पता नहीं क्यों. ब्रेजा इफ यू वांट टू बाय अ ब्रेजा यू कैन गो फॉर अ नेक्सॉन मेरे साथ. हाँ डेफिनेटली उसकी काफी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है, सब कुछ काफी अच्छी है. तो मारुति एक थोड़ा सा इकोस्पोर्ट में आपको ए पिलर थोड़ा सा बड़ा, ये पिलर थोड़ा सा बड़ा लगेगा. पिलर बड़ा है और बाकी इसका कंट्रोल वगैरह इधर ही है ना? हाँ सब कुछ इधर है, इसे नहीं जाता ना राइट मिरर प्रेस करके फिर जाकर. अच्छा ओके ओके, इट्स गुड एक्चुअली. एक्चुअली आपको ये मुझे लग रहा है पुशाक का भी बेस मॉडल में ये सब फीचर्स नहीं आता होगा. नहीं आता होगा. 10 लाख में अकॉर्डिंग टू 10 लाख टच आप देखिए, मतलब यू कैन यूज लाइक एक मिनट नाउ यू कैन सी टच लिटिल थोड़ा सा हार्ड है बट आई थिंक इट्स ओके फॉर लैगी नहीं है बट इट्स ओके. जैसे लाइक If you will change the screen on one touch, it will go easily.
यू डोंट हैव टू वेट, सो दैट इज अ गुड थिंग. हल्का सा टच, टच हल्का सा लागे बट कैपेसिटिव टच है इसलिए आपको वो लगेगा. बेसिकली सारे कंट्रोल्स आप यहाँ बटन से कर सकते हैं, तो आपको अगर आपको चलाते में लगता है कि मेरे को स्क्रीन ऑफ रखनी है, आई डोंट वांट ग्लिटर ऑन माय आईज, तो आप इसको बंद कर दीजिए और यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये एक अच्छी चीज है इसमें. एंड आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं. हाँ, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट्स हैं और इवन यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग भी है. इवन बैक पे आपका एक पीछे यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है साइड में. बैक के सेम लाइक कुशा कोल्ड स्पेस वगैरह तो सेम. तीन लोग इसमें थोड़ा सा, हाँ अच्छा अच्छा, जो आपके में केस है कि अगर तीन हेल्दी लोग हैं तो. बट एक चीज मैंने भूल गया, स्कोडा कुशा के साथ इन द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन कंपेयर टू ऑल क्रेटा, ओके, सेल्टोस एंड ऑल, 2651 कुछ है शायद, उसका व्हील बेस बहुत बड़ा है. ओके, कंपेयर टू ऑल दिस थ्री. कुछ अच्छे पॉइंट्स तब ये थे इसमें, यहाँ पे लाइट आती थी, ये नहीं आती थी. और कार में नहीं, अगर आप बताओ, कुशाक में कंप्लेन कर रहे सब लोग. देखो इसमें क्या हो गया. बट यू आर टचिंग ऑन दिस प्लेस नाउ, टच दिस थिंग. This one is also like at least having some vibration. No, but ये पीस देखो, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो है, यहाँ पे वो जो मिरर वाला आता है ना. एक्चुअली दिस, ये तो प्रॉब्लम तो सारी गाड़ियों में है, लाइक देर इज नो नीड टू कम्प्लेन स्पेशली ऑन कुशाक. इसमें कुशाक में प्रॉब्लम है, like, okay. सारी गाड़ी आप काइगर देखो, मैं बोल रहा ना काइगर. दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज स्ट्रॉन्ग. इवन दिस प्लास्टिक इज वेरी फिनिश, इज मैं बोल रहा हूँ फिट एंड फिनिश इज स्ट्रॉन्ग इन दिस कार कम्पेयर टू कुशाक. सम ऑफ द लाइक थिंग्स आर देयर, दिस इज कूल ग्लव. पर एसी वेंट इज गुड, क्वालिटी वाइज इज ओके. लाइक लाइट का बटन नॉब इज लाइक लुकिंग प्रीमियम. या एंड इट्स समथिंग लाइक योर्स वन. नहीं, इससे अच्छा है, आपके से बेटर लग रहा है. बटन है ना, दिस इज लाइक ए बटन हो गया ना, दिस इज लाइक क्या बोलते हैं, नॉब जैसा हो गया. मीन्स बट ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि हुआ क्या है कि कभी कभार मैं बैठा हूँ और मेरा लेग उस पर लगा है. इसका वो बटन है ना, वो तो क्या बोलता है, सोनी PS4 जैसा हो गया ना, गेमिंग जैसा स्मूथ. हाँ, उधर क्या है, घुमाना पड़ता है, फिर वो टर्न करना पड़ता है. एंड छोटा सा इसमें डिजिटल पार्ट है बीच में, बाकी सब एनालॉग है, मतलब वो उतना सा पार्ट रीडिंग्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी. स्क्रीन कैसा टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों है. अच्छा, दोनों है सेम लाइक पोलो. हां, इसमें दोनों है, उसमें भी दोनों है. बट ठीक है, व्हेन यू कैन कम 1 लीटर के हिसाब से कंपेयर करेगा तो इट इज गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट. डीजल कार इज गुड फॉर दिस प्राइस पॉइंट. नॉर्मली डीजल कार महंगा होता है ना, महंगा होता है. बट इसका, या बट इसका जो पेट्रोल वर्जन आता था वो 9 कुछ में आ जाता था. ब्रेजा जब पहले वाला जो मॉडल था वो 8.5 से स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि अब उन्होंने 1.5 में पेट्रोल कर दिया. अच्छा, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं और उन्होंने अब महंगा कर दिया. बाकी वैसे इनपुट योर मोबाइल हेयर, बट यू कैन पुट योर मोबाइल हेयर. आई तार में देखा ना, तार में आपको होल्डर दिया हुआ है. बट आई गेस ये शो के लिए है, इवन दे डोंट नो एग्जैक्टली. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दे कंज्यूम्स सो मच स्पेस अननेसेसरली इन द फ्रंट. बट नाउ लाइक आई कैन पुट 1 or 2 मोबाइल हेयर दैट आई एम यूजिंग. बट देन हाउ यू विल टेक इट आउट, लाइक इफ यू कीप. अच्छा अच्छा, ओके ओके, मोबाइल हेयर एंड देन यू कैन अगर इधर रख दिया. It's okay. But it will not come out. It will not come on out. Driving. So that is a good point. Doors are music hai kya? If you open the door, it will achha, give you achha, all tweets. Usme like, T T T karke awaaz aata hai na. This is okay okay. This is the stud also good. Isme na weight strong hai. Weight strong hai. Haan, iska door mere peeche ka door laga hai na. If somebody comes and hit also, no, this is very strong. Definitely. तो सेफ्टी वॉज माई कंसर्न दैट टाइम. लाइक इससे अगर ऊपर जा रहे थे तो मेरे को सेल्टोस का ऑप्शन था, और अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा था तो नेक्सन वॉज द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. नेक्सन इज मोर गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक यू कैन से परफॉर्मेंस, बट एवरेज लुक्स के मामले में इफ यू से नेक्सन इज बाइक में मुझे अच्छा नहीं लगा. मेरे को लुक्स में ये ज्यादा अच्छी लग रही थी. इसमें हाईवे परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है नेक्सन से. हैंडलिंग इसका परफॉर्मेंस में हैंडलिंग सबसे बेस्ट है इन ब्रेजा, नेक्सन एंड दिस. अच्छा, ओके. इसमें जो बुरा पार्ट था वो एक इसका सस्पेंशन है, स्टिफ सस्पेंशन है थोड़े. अच्छा, वो नॉर्मल रोड्स पे आपको थोड़ा ज्यादा फील होगा, हाईवे पे आपको वो एडवांटेज देता है बहुत ज्यादा. इसका गियर है ना, दिस गियर इज मोर स्मूथर देन कुशाक. ओके, इवन माय पोलो हैड मोर स्मूथर गियर देन कुशाक. ऐसा हो सकता है अभी नई है आपकी इसलिए. नहीं मतलब
अभी नई कार है तो अभी गियर नया कार्स में आई हैव सीन पीपल आर कंप्लेनिंग इन फेसबुक दैट इसमें गियर सेकंड नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, थर्ड नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल आ रहा है. मे बी क्लच पूरा नहीं दबा रहा होगा, पॉसिबिलिटी है फेसबुक में. एनीथिंग इज हैपनिंग इन फेसबुक, कुछ भी बोलता है. पीपल आर डूइंग एनीथिंग देयर. व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस देन ओनली यू नो. अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला. मतलब मेरे को यह है कि मैंने इस कार को आज तक किसी इशू के लिए सर्विस सेंटर पे नहीं लेके गया. नॉट इवन अ सिंगल थिंग. महीने में 4-5 बार लेके गया, बट दैट इज सॉर्टेड आउट नाउ. जब मैं फर्स्ट डे लेके आया था, एक छोटी सी रबड़ मिस थी, वो ये डोर पे यहाँ जो लगती है. अच्छा. वो मेरे को दिख गया था आते ही, तो मैंने उनको कम्प्लेन किया कि मेरे एक उसमें से, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक रबड़ होती है ये वाली, ये नीचे जो रबड़ लगी है यहाँ पे वो वाली. अच्छा, डोर होती है. सो दे टोल्ड दैट मे बी क्लीनिंग करते मैं ये. अगर वो नहीं है तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है क्या? थोड़ा सा जब बंद करते हैं तो नॉइस करता है. नॉइस करता है. व्हेन आई डिडंट हैव दिस होल्डर, नो दिस ग्लास होल्डर, मैंने सोचा भूल गया होगा ये लोग लगाना. नहीं, नॉर्मली व्हेन मैंने ये फीचर्स देखा था इन जर्मन कार्स, इट इज हैविंग ऐसा दिया हुआ है. मैनुअल में भी दिया हुआ है, यू हैव ए होल्डर, यू कैन ओपन एंड पुट, बट इसमें जब लिया था नहीं है. तो आई थिंक आफ्टर मार्क अपने शोरूम में लग सकते हैं, मुझे लग रहा है. आपको पता करना पड़ेगा. आई सॉ पीपल डूइंग इन, पीपल कैन डू एनीथिंग. दे कैन कट इट एंड दे कैन मेक इट अ सनरूफ कार. बट सनरूफ का सच में बताऊं, सनरूफ का यूज नहीं है. यूज नहीं है. मैंने भी इतना, वैसे भी हाईवे ड्राइविंग में राजस्थान जा रहा है, इतना सैंड वगैरह आता है. व्हाई यू विल ओपन दिस सनरूफ? डेफिनेटली आई डोंट वांट माय केबिन टू गेट डर्टी फॉर वन और टू मिनट. कैबिन कर जैसा ही है ना. आपको अच्छा नहीं लगता ना व्हेन समबडी विद एन ऑयल और समथिंग विच इज कमिंग. वैसे भी ये चीज हम कपड़ा से साफ कर सकते हैं. एंड यू आर पुटिंग क्लीनर एंड एयर प्यूरिफायर एवरीथिंग एंड यू आर ओपनिंग द सनरूफ. उसमें मेन दिक्कत क्या है बताए, दिस इफ दिस थिंग इज गेटिंग डर्टी ना, दिस विल गो ओनली बाय ड्राई क्लीनिंग. डेफिनेटली वो करना पड़ेगा. यूजुअली आप कराते नहीं हो? नहीं कराता नहीं है ना. दिस शुड होल्ड एक्चुअली. वो सनरूफ ठीक है, उसका नीचे का वो पार्ट निकाल दे बाहर रखेगा तो बारिश तो गिर रहे, वो तो आ रहे ना. एटलीस्ट हम सनलाइट वगैरह आपको मिल रहा है, दैट इज इनफ एक्चुअली. तो वो इसमें मजा आता है. वो इसमें नहीं थी बट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी. मैं अगर इससे टॉप मॉडल में जा रहा था, डोंट वेस्ट मनी फॉर सनरूफ. इससे जो मैं टॉप मॉडल में जा रहा था तो मेरे को 3 एडवांटेज हो रहे थे. एक सनरूफ हो रहा था, मेरे ब्लैक रंग के अलॉय व्हील हो रहे थे इसकी जगह पे, वो मेरे को इतना ऐसा नहीं था, इट वाज ओके. एंड हिल असिस्ट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ये इसमें ऐड हो रहे थे. हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और इसमें रोल ओवर कंट्रोल है, वो सब है. लेकिन स्लिप रेगुलेशन करके कंट्रोल है उसमें. ओके. और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, मल्टी कोलिशन ब्रेकिंग ऐसा वगैरह कुछ कुछ है उसमें. फीचर्स वगैरह अच्छा है उसमें. एक चीज मैंने मोटर स्लिप रेगुलेशन करके देखा था, उसमें क्या लिखा है, उसमें बोलता है अगर ब्रेक हो गया कुछ चीज, अगर इफ इट इज नॉट रोटेटिंग, दिस इंजन विल प्रोड्यूस मोर पावर टू रोटेट दैट. सपोज आइस में चला गया, सपोज यू नो आइस में व्हील तो रोटेट होता नहीं है, तो इट विल रिड्यूस मोर पावर टू दैट योर टायर विल गेट रोलिंग. Okay. एक और ट्रैक्शन कंट्रोल में बोल रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें क्या होता है, उसमें अगर ज्यादा स्पिन हो रहा है सो इंजन विल रिड्यूस द पावर टू दैट व्हील, दैट पर्टिकुलर व्हील, सो दैट इट विल रिड्यूस इट्स. वो मैनेज अपने आप कर रहा है सारी चीजें. डेफिनेटली. अब आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरा नॉर्मल रन है नोएडा में, और ये 20 के अराउंड एवरेज दे रहा है मेरे को भी, बिकॉज अभी इतना ट्रैफिक नहीं है. एक्चुअली सच में अमेजिंग एक्चुअली. कितना चला हुआ है ये? 24,000 24,334 चला हुआ है. टू ईयर हो गए ना. ट्रिप मेरे मोस्टली हुए हैं 4-5 टाइम्स. आई हैव बीन टू जयपुर, एक बारी मैं प्रयागराज लेके गया हूँ. अच्छा. आजमगढ़ सबसे अच्छा ट्रिप मुझे लगा पता है, जैसलमेर. जैसलमेर जैसलमेर का वो जो रोड होता है ना, मैंने रात में भी ट्राई किया था अंटिल 11:30 तक. क्या मजा आता है ना वो रोड में, लाइक यू डोंट यू फील लाइक स्टॉपिंग ड्राइविंग. मैं मसूरी लेके गया, माय वाइफ इज देयर विद मी, उसको भी सोने का था इसलिए मैंने बंद करके होटल में रुका था. नहीं है तो आई शुड हैव ड्रिवन कंटीन्यूअसली अंटिल आई रीच जैसलमेर. मसूरी गए और मेरा होम टाउन है आगरा के पास. अच्छा. तो वहाँ के मेरे काफी ट्रिप्स हुए, तो मोस्टली इतना ही है क्योंकि अभी लॉकडाउन था, मोस्टली घर पे पेरेंट्स भी हैं, कहीं बाहर ऐसे ज्यादा जाना नहीं था. तो फिर एक और चीज था वो लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो भी बहुत बढ़िया है, बट यू फील बोर्ड इन दैट रोड. इवन ऑन दिस आगरा एक्सप्रेस वे बीच बीच में 100 की स्पीड पे कंटिन्यूसली चलाते रहो, उसका कोई मजा नहीं आता. गाड़ी तो कुछ भी गाड़ी आता है, आई फील लाइक कॉम्पिटिंग विद सम अदर कार्स. ऐसा वाला बंदा है मैं कुछ, अगर माइंड में आता है कोई आ गया. नॉर्मली सब लोग, एक बंदा सपोज समबडी इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने एक्चुअली नॉर्मल आ रहा था, दैट टाइम ही वॉन्ट टू गो इन लाइक इन स्पीड, वो एक्सीलेटर दबाता है, देन आई माई गो इज ऑल्सो गेटिंग हर्ट.
आई विल नॉट लीव दिस गाय. तो मैंने पकड़ेगा इसको ऐसा ही. सो हम तो यंगस्टर्स होते हैं ना, थोड़ा क्रेज आता है ना गाड़ी के बारे में. दैट इज व्हाई आई स्पेंड दिस 19 लाख फॉर 150 बीएचपी. दैट यू नो आई विल मैं ट्यून भी करेगा गाड़ी. एंड आई विल टेक मेक दिस कार 185 बीएचपी स्टेज वन कोर्स केरला. I will take it to Kerala. कोर्स 6 वगैरह है. You know, they will install this software. Software install karega. Jab service ka time aayega na, they will put it back. Okay. And your warranty will not getting affected. Hmm. Wo bhi karta hai. So when you are planning to take it to Kerala? No, I will run for 1-2 years. 1-2 years. Naya gaadi hai na. Isna complaint aa raha hai gaadi mein. If I do something in this EPC, to electronic program control circuit mein kuch kar diya. If it is gone, then it is like 4-5 lakhs ka nuksan hai. So I will wait for 2 years how this car is going. I will see. But until now 10,000 kilometer is more than enough for a normal guy. Abhi usme pata chalta hai gaadi kaisa hai. So maine already 10,000 kilometer run chuka hai. No EPC issues, kuch breakdown wagera kuch nahi hua abhi tak. So I am fully satisfied. Theek hai, chala ke dekhte hain ek bari. Nahi, about cars I guess aise hum pure din baat kar sakte hain baith ke. Cars ke bare mein baat karne ke liye actually it's इसमें सारा मिनिमम एंड रिक्वायर्ड चीजें हैं. मतलब एक्स्ट्रा नहीं है बट मिनिमम और रिक्वायर्ड जो भी है. इसका गियर बहुत स्मूथ है. इंजिन थोड़ा अच्छा. दिस इज ओ माय गॉड. दिस इज वाइपर. दिस इज इंडिकेटर. ओके ओके मेरा टोटली चेंज. ओके नाउ इट इज स्टॉप आई थिंक. अगर क्लच दबाने का टाइम है ना भाई, आई थिंक टचिंग समथिंग. वो स्टीयरिंग का कुछ टच हो रहा है क्या? मे बी आप पैर थोड़ा सा ऊपर रखें. अच्छा अच्छा ओके ओके. स्टीयरिंग रॉड विल कम देयर. कंपेयरिंग टू माय कार आई एम टेलिंग यू दिस गियर इज मोर स्मूथ कंपेयर्ड टू कुशा. कुशा का टाइगन का गियर ऐसा नहीं है. टाइगन का गियर इज स्मूथ है. हाँ बट कुशा का गियर लिटिल हार्ड है. वो मैंने जब टेस्ट ड्राइव के लिए लिया था दैट टाइम आल्सो आई आस्क्ड दिस गाय व्हाई दिस गियर इज सो हार्ड. दैट टाइम वो लोग बोला था कि दिस इज अ टेस्ट ड्रिवन कार. सब लोग चला रहा है. ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर हो गए इसलिए आवाज आ रहा है. सो दे मिसगाइड. बट इट्स नॉट लाइक दैट. कुशा का गियर इट्स नॉट हार्ड. इट्स नॉट स्मूथ लाइक दिस. बट आपको स्टीयरिंग कैसा लग रहा है इसका? जैसे आपने हाइड्रोलिक है क्या? नहीं है ना. हाइड्रोलिक नहीं है. But it is this Kushak steering is more lighter than yeah this. Definitely. और वो थोड़ी सी बड़ी कार होके उसमें लाइट है इसलिए ज़्यादा. I will just put the pedal and see. हाँ definitely. No issue. Like when I am telling मैंने 170. Actually Kushak का गाड़ी भी 150 नहीं है. But Kushak का torque पता नहीं. Diesel का torque normally ज़्यादा होता है. So torque is like your twisting force. So आपको pickup थोड़ा ज़्यादा मिलेगा torque में. वो तो मैं. So you can try now. इट विल मेक मोर नॉइज लाइक इन कंपैरेटिवली टू पेट्रोल वन. इट्स अ वेटी सरफेस. ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या उसमें? इसमें नहीं है. EBS and 114 bhp this is more than enough. Really मैं बोल रहा हूँ इतना power आपको है, इतना weight भी. जो main comparison इसका और Brezza का था, Brezza का average इससे, Nexon का और Brezza का, दोनों का average इससे 2 ज्यादा है. वो इसके weight की वजह से mostly. इसी ये सेम इंजन फ्री स्टाइल में यूज करते हैं. वहाँ पे 26 का ये माइलेज देती है. सेम इंजन इन फ्री स्टाइल बिकॉज वो इससे लाइटर कार है. तो बॉडी इज मेकिंग लिटिल लाइक हैवी. तो मे बी उनका जो बिल्ड क्वालिटी की वजह से सब चीज की वेट ज्यादा है. हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग पावर भी आई थिंक फॉर 10 लाख प्राइस. मैं बोल रहा हूँ ना, सच बताऊँ दिस इज मोर देन एनफ. एंड मैंने इसको हर तरीके की जगह पे चला के देखा है. इवन आई हैव टेकन इन मड. मतलब नॉट एग्जैक्टली डेजर्ट बट जहाँ कीचड़ है और काफी अच्छा मड है उसमें मैं लेके गया हूँ. मैं माउंटेन्स पे मैंने ड्राइव करी है इसको. कॉर्नरिंग बहुत अच्छा करती है. पिकअप वाइज मेरे को कहीं पे अभी तक नहीं लगता है. इसका लीनियर पिकअप है राइट है ना? हाँ, वापस यू टर्न. Again, problem. मतलब इसका एक लीनियर पिकअप है, एकदम नहीं है. आप ये कहोगे कंपैरेटिवली अगर इसका पिकअप और नेक्सन का पिकअप में, तो नेक्सन का पिकअप इससे थोड़ा सा ज्यादा है. मैंने चलाया नहीं है बट नेक्सन आल्सो मैंने सुना है नेक्सन इज आल्सो गुड कार. पिकअप में मामला है ना? नेक्सन आल्सो गुड कार. नेक्सन का वेट कितना आता है? नेक्सन का अराउंड इससे 50-70 ऊपर नीचे है. अच्छा अच्छा. नॉट एग्जैक्टली बट
इतना ही। बट पावर तो बढ़िया है गाड़ी का, ये चीज के लिए, काई के लिए? हाँ, ये थोड़ा सा ए पिलर इसका स्ट्रॉन्ग वो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा बिल्ड ऐसे इन्होंने बनाया है बिल्ड क्वालिटी के लिए, बट यू कैन फील द वेट व्हेन यू ड्राइव, नो यू कैन फील द वेट ऑफ दिस कार, डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो है। वो तो इतना डीजल भी, इतना टॉर्क भी इतना यूज हो रहा है ना, पुश दिस वेट, यू कैन फील दैट व्हेन यू, इवन पेट्रोल में भी इसका पिकअप काफी अच्छा है, मतलब मैंने पेट्रोल ड्राइव करी है।